हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक स्टड के ग्लव्स की। अगर आप एक बाइकर हो और एक अच्छी कीमत के, अच्छी प्राइसिंग में, बेस्ट क्वालिटी के अगर आप ग्लव्स फाइंड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। आप इसको पूरा देखें, मैं हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा, इसकी बिल्डिंग क्वालिटी और इसका प्राइसिंग और रिव्यू सब कुछ डिस्कस होगा। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले इसके लुक की बात कर लेते हैं। ये आप लुक में देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है दोनों तरफ से। और अब इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये ब्रांडिंग, जो आपकी ब्रांडिंग की स्टड की ब्रांडिंग आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज व्यू दिखा देता हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है टॉप में स्टड की ब्रांडिंग। और ये नकल पे जो प्रोटेक्शन दिया है, वाकई में आपको बहुत ही प्रोटेक्ट करने वाला है अगर आप तेज़ स्पीड से बाइक से गिरते हो। और जो फिंगर्स में भी प्रोटेक्शन है वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है। स्टड ब्रांड के बारे में तो आप जानती होंगी, ये हेलमेट की कैटेगरी में बहुत अच्छा और नॉन ब्रांड है। और ये ग्लव्स भी सेम ब्रांड के हैं। प्रोटेक्शन के मामले में ये बहुत ही अच्छा है, नंबर वन है। अगर मैं मार्क्स दूँ तो 10 of 10, तो प्रोटेक्शन के मामले में काफ़ी अच्छा है ये। इसमें टच सेंसर दिए हुए, हालांकि इतने अच्छी क्वालिटी से काम नहीं करता। और ये सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो हथेली पे ये जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये प्रोटेक्शन बहुत ही लाजवाब है। ये सच में आपको प्रोटेक्ट करने वाला है अगर आप तेज़ स्पीड से गिरते हो, क्योंकि लास्ट के जो मैंने आपको ग्लव्स दिखाए थे उसमें इतना अच्छा प्रोटेक्शन नहीं था यहाँ पे। अब मैं इसको जल्दी से आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये डालने में काफ़ी स्मूथ मुझे लगा और एकदम से फिटिंग भी अच्छा है। हालांकि इसका जो एक्सेल साइज़ है, मैंने बाय किया है, इसका साइज़ में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। लाइक आप अगर आप एक्सेल लेते हो तो आपको ये डाल के एक बार देखने होंगे, क्योंकि ये जनरली साइज़ से थोड़ा छोटा होता है। तो ये देखो, आप दोनों मैंने ग्लव्स डाल लिए हैं। लुक वाइज कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये काफ़ी प्रोटेक्ट भी करने वाले हैं आपको। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग, ये मुझे अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन नहीं मिला, ये मैंने जाके फिजिकल स्टोर से बाय किया है। स्टोर का लिंक भी मैं डाल सकता हूँ, अगर आप गुड़गांव में रहते हो तो आप वहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग पड़ी मुझे 699, तो ये मुझे 700 रुपये के अंदर पड़े हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन था और तभी जाके मैंने इनको बाय किया है। तो आप स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और वहाँ से और प्रोडक्ट भी आप सजेशन ले सकते हो। इस टाइप की मैंने और भी वीडियोज़ डाली, अगर आप मोटर व्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हो और आप मोटर व्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। और टाइप के प्रोडक्ट्स भी आप उनके रिव्यू भी देख सकते हो और सजेशन ले सकते हो। तो यहाँ पे स्टोर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, हेलमेट थे, हेलमेट्स की कैटेगरी भी काफ़ी अच्छी थी, और जैकेट्स थे, और राइडिंग शूज़, ग्लव्स, हर एक चीज़ अवेलेबल थी। इस स्टोर का लिंक भी मैं डाल देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है, आप इसको विजिट कर सकते हो। और मोटर ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी वीडियो या जाना है तो आप इस चैनल को व्यू कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।